वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे कोई बात उठती हो किसी के मन में तो पूछो ही। अपने हृदय से एक साधन तय कर देना चाहिए। व्याख्यान में कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग की बातें विशेष ध्यान योग की थोड़ी ऐसी बातें चलती है,
उन बातों में से आप अपना एक साधन चुन लेंगे, हमारे ये साधन करना है, फिर उसमें तत्परता से लग जाए और मैं संतोष हो जाना चाहिए कि मैं ये साधन में करता हूँ, फिर हाथ लग गया, आप इसमें तत्परता हुआ और फिर वो साधन होने लग जाना चाहिए, करना नहीं पड़े, आपसे आप स्वतः स्वभाव होने लग जाए, तो फिर बेड़ा पार है। सबसे पहली बात, खास बात, साधक के लिए बहुत उपयोगी बात है, संसार में कई तो हमारे है और कई हमारे नहीं है, ये भाव है ना, ये भाव साधक के बड़ा बाधक है। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, चाहे तो ये मान लो कि सभी के सभी हमारे ही है, क्योंकि सभी सब परमात्मा के हैं और हम परमात्मा के हैं, तो हम परमात्मा के हैं, तो जितने ये सबके सभी मनुष्य मात्र, पशु पक्षी और स्थावर जंगम जितने सबके सब परमात्मा के हैं, सभी परमात्मा के हैं, ये मान लें। और चाहे ये मान लें कि सबके सब हमारे हैं, मनुष्य के मनुष्यों के नाते मनुष्य सब हमारे हैं, और जीव के नाते जीव मात्र जितने प्राणधारी हैं, वो स्थावर हो जंगम हो कोई हो, सबके सब हमारे हैं। इन दो बातों में से आपके जो ठीक अनुकूल पड़ता हो, जिसमें मन मानता हो, ठीक तरह से उसको धारण कर लो, सबके सब हमारे हैं। काम करना तो ऐसे होगा कि भगत पर वो परिस्थिति आएगी, उसके अनुसार सबके सब काम करेंगे, परंतु दूसरा कोई नहीं है। और भगवान के हैं उनमें से कई भगवान के, कई भगवान के नहीं, ऐसा नहीं है, कई हमारे हैं, कई हमारे नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान के सभी। जैसे पतिव्रताओं के लक्षणों में लिखा है कि उत्तम के अस बस मन माही, सुपनेहु आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता वो है कि जिसके मन में एक हमारे पति के सिवाय कोई पुरुष है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई और हो सकता ही नहीं, हमारे पुरुष ही पुरुष है, कोई पुरुष नहीं है। तो पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिगरे दासा, संतों की वाणी में पतिव्रता का दृष्टांत दिया है। जैसे पतिव्रता होती है एक अनन्य भाव से की, ऐसे भक्त को चाहिए कि अनन्य भाव से भगवान की हो जाए, हमारे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, एक भगवान ही हमारे हैं, वे भगवान हमारे हैं, उन भगवान के नाते सबके सब हमारे हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति एक हमारा होता है, और सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, कई जो कुटुम्ब भी है, वे पति के नाते हमारे हैं। पति के पति की माँ होने से हमारी वो पूजनीय है, पति के भाई होने से देवर जेठ मेरे आदरणीय है, पति की स्त्री होने से दीदारी जेठानी हमारी है, पति की बहन होने से ननद हमारी है, पति के होने से हमारे हैं, पति के न होता और कोई मतलब, किसी मतलब ही नहीं है। पति के अतिथि भी कोई आ जाता है, साधु ब्राह्मण आ जाता है, उसको भी अन्न जल देना है, सेवा करनी है, पति के नाते स्वतंत्र में कोई साधु से संबंध है, कोई ब्राह्मण से संबंध है, कोई अतिथि से संबंध है, हमारे कोई संबंध नहीं है। पति का धर्म है, हम गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि सत्कार करो, कोई अतिथि आ जाए यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार अन्न जल आदि दे दो, तो उसके नाते हम करते हैं, हमारे कोई समझ नहीं। ऐसे भगवान के नाते सबकी सेवा करूं, ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं, ऐसा नहीं।
भगवान के नाते सब हमारे हैं, और नहीं तो कोई हमारा है ही नहीं, केवल भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल कुशलों कोई, मेरे भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, अनन्य भाव केवल भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा, मेरे तेरे गिरधर गोपाल एक भगवान ही है। और सेवा करो भगवान के नाते करो, भगवान को लेकर के कुत्ते को रोटी भी डालो ते भगवान का है, नीचे नीचा प्राणी भी भगवान का है। भगवान के समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिय, जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम उनके ऊपर समान मेरी दृष्टि है। सब पर मोरी बराबरी दया, सबके ऊपर मेरी बरोबर दया, एक समान सब पर दया है। तो भगवान की दया सब पर है, भगवान के अंतर सबके सब आदरणीय है, और अपने स्वार्थ का संबंध किसी से नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा स्वतंत्र संबंध नहीं है किसी से भी, भगवान के नाते संबंध है, इस बात से सेवा करनी है। ऐसा भाव रखे भजन में लोगों, तो ये भाव सबके लिए है, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, हठ योगी, लय योगी, कोई ज्ञान हो, सबसे पहले भाव पात है ये। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से ही पैदा हुए हैं, अभी सभी मेरे हैं। तो समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के ऊपर मैं समान विपित हूँ, और सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी कृपा बरोबर है। तो भगवान के हम हो गए हैं तो भगवान का सिद्धांत है, उसका आदर करें, सब पर भगवान की कृपा है, सभी भगवान की कृपा पात्र है। तो अपने तन से मन से धन से वचन से विद्या से बुद्धि योग्यता से सबकी सेवा करना भगवान के नाते, तो लेना किसी से कुछ नहीं है, और लेने में तो बात भगवान से ही नहीं लेना है, लेना है ही नहीं, लेना है यही दरिद्रता है। लेने की जो इच्छा है मन में इसका नाम ही ममतापन है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, बहुत ले लू मेरे को मिल जा, यही दरिद्रता है, यही दरिद्रता है। देखो भगवान देते हैं सबको, और सबको देते हैं तो भगवान की कृपणता नहीं है, कंजूसी नहीं है भगवान की, सबको देते हैं, भले को बुरे को सबको ही। भगवान के देने का भाव सब पर बरोबर है, नहीं तो भगवान को नहीं माने नास्तिक हो, उनको अगर अन्न जल ना दे तो और श्वास लेने के लिए उसको पवन भी दे दे वायु भी ना दे तो मर जावे। तो भगवान को माने नहीं माने बिल्कुल नास्तिक है भगवान का, तो वो नाम निशान ही मिटाना चाहता है कि ये बड़ी नास्तिक वाद ऐसा हो जाए, तो भी भगवान देते हैं, उनको बिठाने के लिए जगह देते हैं, जमीन देते हैं, चलने फिरने के लिए आकाश देते हैं, खाने के लिए अन्न देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं, श्वास लेने के लिए वायु देते हैं। भगवान का धन बरोबर बरोबर है, भगवान का जल है वो सबकी प्यास मिटाता है। भगवान मन करने के दुष्टों की प्यास नहीं मिटनी चाहिए, तो बल जल पी लो नहीं मिटेगी प्यास, कभी कभी बुखार आता है, प्यास लगती है, जल देते जो पीते मिटती नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा बैर रखने वाले के प्रति भी समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, नहीं तो मेरे द्वेष का विषय न प्यार का विषय है, बैर का कोई विषय किसी के साथ नहीं, ऐसो के साथ बरोबर है। तो हमारे प्रभु ऐसे करते हैं, हम भी सब ऐसे करते हैं, प्रभु सबका पालन पोषण कर सकते हैं, हम सबका पालन पोषण कर नहीं सकते, हमारे सामर्थ्य नहीं, तो भगवान अपनी सामर्थ्य नहीं करते, हम अपनी सामर्थ्य नहीं करें, जितना हम कर सके उतना करें, नहीं हो तो महाराज हम तो कर नहीं सकते, तो नहीं कर सकते वो आपके जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी इतनी है जितना हम कर सकते हो, सामर्थ्य नहीं तो आप जिम्मेवारी नहीं। माल पर जगात लगता है भाई,
इनकम पर टैक्स होता है ना, जितना आपने कमाया है उसके अनुसार आपको टैक्स लगेगा। आपके पैदा ही कुछ नहीं है तो टैक्स क्या लगेगा, लगेगा ही नहीं। स्वास्थ्य आपकी जितना है, शक्ति है जितनी, आपकी सामर्थ्य है जितने है, उसके अनुसार कृपणता मत करो। जैसे हमारा निर्वाह हो तुम्हारा ही हो जाएगा भाई, हमारे को रोटी भी है तुम्हारे को मिल जाएगी, हमारे को नहीं मिले तो तुम्हारे को नहीं मिलेगी, बढ़िया मिल जाए तो बढ़िया ले, घटिया मिले घटिया ले, ऐसा निर्वाह कर दो भाई। घर में भी ऐसा कह सकते हो कि भाई मैं अलग तो पास कुछ देता नहीं, अपने है जैसा आपने बनाओ खाओ, सेव कह दो ये सामग्री है, ये साग है, ये अन्न है, ये आटा है, इसे बनाओ तो तुम भी खाओ हम भी खाओ, है अनुसार बना लो। अब पैसा नहीं है साग नहीं है तो फिर मिर्ची से, नहीं तो नमक दे दो थोड़ा सा, नमक दे दो उसे चलो खा लो, तुम भी खाओ हम भी खाओ, हम पहन से तुम मोजा पहन लो। अब बढ़िया खर्चा कहाँ से लाओ बताओ, हमारी शक्ति के अनुसार तैयार। दोस्तियों कोई कर दो तो हट कर दो बोले, परंतु विशेष नाराज नहीं होंगे, हम शक्ति के अनुसार दे सकते हैं। साहब कहो बढ़िया लाओ, रेशमी साड़ी लाओ, अब कहाँ से लाओ बताओ, हमारी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतना ही है, हम जैसा ले उनसे तुम बढ़िया ले लो, हम दो नंबर के लिए आप एक नंबर ले लो, है जो चीज है, क्योंकि वो अब कुटुंब को छोड़कर आई है, माँ बाप भाई भतीजा सबको छोड़कर आपके पीछे आई है, तो उसको पहले तुम पहले लो, और जो कुछ बन जाए आप खा लेंगे तुम भी खाओ, मौज से रहो आनंद से, कोई दूसरी कष्ट की बात ही नहीं है। ऐसे संसार में रहो आप, भगवान के नाते सबकी सेवा करो, हृदय का भाव ये चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आनंद ही होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, सबके मंगल आनंद ही होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, अपना भाव ऐसा चाहिए। अब शक्ति के अनुसार शायद अगर भाव सभी सुखी रहे भाई, वो उदार होता है, उदारता गुण है, ये कर्म योग में काम आता है, उदारता है, कर्म योग में उदारता है, कैसी बढ़िया बात है, हमारी चीज है वो आप ले लो हम भी लें सभी लें, फिर कोई दोष नहीं है। दोष विषमता करो, पक्षपात करो, इसको देंगे इसको नहीं देंगे, ये माइया जो हमारे बेटे को तो ठीक बढ़िया दूंगी और को नहीं, ये गलती है, मत करो। कोई हो भोजन करने को आगे कोई वहां, शास्त्र में आता है चोरो वा यदि चांडाल यदि वा पितृ घातक, चोर हो चंडाल हो चाहे बाप के मारने वाले भी हो, हमारे बाप को ही मार दिए, वो भी अगर उसी वक्त में आ जाए भोजन कर ले रोटी रोटी जयराम जी। दो साधुओं की बात सुनी हमने, पंजाब में बहुत ऐसे होते हैं आपस में लड़ाकू होते हैं, घर-घरा साधु हो जाते, ऐसे कई जगह ऐसा होता है, मारपीट के साधु हो जाते, चोरी करना साधु हो जाते, भाग जाते। तो पंजाबी साधु थे, उनके आपस में खटपट थी, एक एक से ईर्ष्या थे, लड़ाई करते थे, तो एक हो गया बीमार, एक साधु हो गया बीमार, तो झाड़ी में वहां रहते हैं, पंजाब क्षेत्र है, उनसे रोटी ले आते हैं, पा लेते हैं, तो बीमार हो गया उसके लिए वो रोटी ले आता, रोटी ले तू लाएगा तो उसको तेरे आते, अभी तुम कुछ कह दो बोले सब सह लूंगा रोटी खा ले तू, पर ठीक हो जाएगा तो लाठी तू ले ला एक मैं ले लूंगा, अभी इसका आ जाओ सामने, मैं बीमार है तू गाली दे, तू गाली देते खुशियां जो कर गई बड़ी रोटी खा ले तू ले ले, तू जा नहीं सकता तू छत से मैं ले रोटी खा ले, जितने तेरे को
गाली दी गाली सब सुन लूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी जितनी के रोट खा ले तो ठीक हो जाएगा ना। एक लाठी तू ले, एक भाई ले लू, आ जाओ फिर मैदान में। समझिए तो ये बात है, बंदा बैरागी हुआ है, बंदा बैरागी बड़ा तेज हुआ है, बड़ा युद्ध करता, रात्रि में सेवा करता है सबकी, दिन में लट्ठे हो जाता है। पौरव पांडव की भी आप आती लड़ाई होती, रात संग बन गया चुप, अब लड़ाई बंद। उस बंद के बाद में आपस में जाओ जाओ ले पूछो कैसे है, भाव किस घाव लग गया हो, गर्म ठीक है, सुबह फिर समझे अब आ जाओ सामने। कैसी बढ़िया बात है, तो भीतर में द्वेष है ही नहीं, बैर है ही नहीं, काम करना हो तो करना है अपने काम, राग द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तो और न बस मे तो ये परिबंध है, किसी को बढ़िया किसी को घटिया, ये ठीक रे बे ठीक, ये राम बैर यार ये मित्र है, ऐसा नहीं, सेवा सब गीता प्रेस का सेवा दल काम करता है तो मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो, ये लो भाई रोटी तुम भी खाओ कपड़ा तुम भी खाओ, ऐसा नहीं हिंदुओं की सेवा ही करेंगे, ऐसा हमने देखा है और ऐसा भी देखा है पक्षवाद वाले। हुगली हुगली एक गांव है उधर, हम गए थे जो धर्मशाला देगी धर्मशाला है तो उसमें हम गए, मैं निंदा नहीं करता हूँ भाई, बात हुई बताता हूँ आप क्षमा कर देंगे, तो हम गए धर्मशाला होते हैं कहते ये तो जैन धर्मशाला है, जैन ही हो तुम तो जैन तो नहीं रखे थे, चौधरी हम आपको पता नहीं, शाम हो गई तो दो तीन मोटर थे हमारे साथ में तो कहाँ ठहरे, तो कोई जगह मिली नहीं, तो एक सज्जन ने कहा कि कन्या पाठशाला है रात बात रहे दो दिन में सुबह तो भाई पाठशाला लगेगी भाई रात रात रह जाएंगे, तो उसमें फिर ठहरे, तो वे जाने के हम तो जाने की सुबह नहीं करते, ऐसे भी है कोई आ जाओ भाई रह जाओ, कोई जाने किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी धर्म का कोई आ जाओ, तो धर्म के भी अलग अलग है, मुसलमानों के अस्पताल कलकत्ता में देगा बहुत बड़ा, मुसलमान हिंदुओं का अलग, तो अपने अपने अस्पताल में रहो भाई, तो इस तरह से होता है, तो ऐसे होता है तो उसमें उसमें काम वैसे बने वैसे ही कर दो, वहां पर जाओ तो वैसे पक्षपात कर दो, हृदय में पक्षपात मत लाओ, भीतर में द्वेष मत लाओ, वहां भाई हिंदुओं का है तो हिंदु ही करे, कोई मुसलमान करे भाई यहाँ कायदा हिंदुओं का ही है, प्रेम से ना देखे अपना व्यक्तिगत तो है नहीं, तो कोई हर्ज नहीं उसको, उसको दोष नहीं आपका, आपके मन में द्वेष है वो द्वेष है, मन में द्वेष क्यों रखे वो नहीं रखे भाई। एक सज्जन थे उनकी बात सुनी है अपने मित्र से कहा देखो मित्र ऐसा करो हमारे क्रोध नहीं आता है, तुम करो कोई उपाय जो हमारे क्रोध दिला दो, उसने बात बहुत आनंद की बात है आप क्रोध नहीं आता अच्छी बात, परंतु आपके क्रोध रहने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तो क्रोध रहने के लिए क्यों बिगाड़ू स्वभाव, मेरे बिगड़ता होगा ना, तो बड़ी आनंद की बात है मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू भाई। एक दिन एक नाथ जी महाराज ऐसी बात थी, वो क्रोध नहीं आता था तो क्यों चेष्टा खड़ी कर ले, अब कर ले क्रोध नहीं आता अच्छी बात आनंद की बात है, अपने मन नहीं बिगाड़ना है, अपने तो काम सबके साथ प्रेम का करना है, तो सबके साथ प्रेम का बरतना हो, जगह सबका काम पड़े तो सबकी सेवा करना, चोरों वाह यदि चांडाल यदि वाह पितृघात का कितनी बात विशेष बताई, बाप के मारने वाले आ जाए रसोई वक्त में तुम्हें रोटी खा लो जयराम जी, भीतर में द्वेष नहीं से बैर नहीं, व्यवहार तो अलग अलग करेंगे भाई, किसी पर हक जमाते हो वो हक मत जमाओ, मैंने पहले कही थी आज भी याद आज कह दे
तुम कहते हो मेरी स्त्री है, भाई स्त्री तुम्हारी है तो किसी माँ भी तो होगा ही, नहीं है वो, किसी की बहन भी है ना, किसी की बेटी भी है, तुम्हारी स्त्री है पर किसी की बेटी भी नहीं है, किसी की बहन भी नहीं है क्या, किसी की मामी भी है, किसी चाहे ताई है, किसी चाची है, किसी की सासू है, किसी की बहू है। इसमें एक मार्मिक बात क्या है कि अपना संबंध है, उस संबंध से उनको संतुष्ट करो। तुम पति हो तो पति के कर्तव्य से उसको संतुष्ट करने का तुम्हारा काम है, कब्जा करने का काम नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। माँ हो तो सपूत से सपूत बेटा बनकर माँ की सेवा करो। माँ है इस वास्ते सेवा, पर माँ इस वास्ते माँ धन दे दे हमारे को, गहना अपना मेरे को दे दे, अपने संबंध से सेवा करो। स्त्री है तो पति के लिए पति की सेवा करो, पति व्रता हो जाओ और सेवा करो। पर पुत्र हो तो पुत्र की भी सेवा करो, पुत्र के दाते भाई आ जाओ भाई का करो, सबके दाते सबकी सेवा करो। देखो कब्जा करने में तो खटपट होगी और सेवा करने में खटपट नहीं होगी। अपने अपने नाते सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, भाई की सेवा करो, भौजाई की सेवा करो, बहन की भी सेवा करो। हमारा संबंध सेवा करने का है, कब्जा करने का नहीं। मैं निंदा नहीं करता हूँ, बात कहता हूँ। छोरी का ब्याह किया तो मैंने भी कहा, उन्होंने खुद ने कह दिया कि भाई हमारी लड़की है, अब वो ब्याह देते हैं, सत्संग में छुट्टी दे देंगे ना, सत्संग दे देंगे। ब्याह होने के बाद में सत्संग ने आने दिया, आने दिया। अब क्या करें बताओ, जयपुर में सत्संग में आ गई वह छोरी माँ के साथ में, तो माँ तो बैठी थी सत्संग में, वो सत्संग में आया बुला ले गया, ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ करके और सामान लेकर के ले चला गया, नहीं रहने देगा मैं यहाँ। ये बात ऐसी बीतती है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, बड़ी घटना बताता हूँ। पहले कह दिया भाई सत्संग में छुट्टी देना है, हाँ तो ये ठीक नहीं है। सो बताओ तुम अपना कब्जा क्यों कर दो ऊपर, कब्जा पतिव्रता को चाहिए कि तुम पतिव्रता बनो, परंतु ये नहीं कि पति ऐसा बने, ये ही खटपट होती, खटपटी रहती है ये। शेष वे कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नरा, अपने 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 कर्म के अनुसार सेवा करो। यथा प्रवर्तित भूतानाम येन सर्वं विदन्ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः, जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा सब परिपूर्ण व्यापक है, अपने कर्मों के द्वारा लोग पूजन करो। संसार में संसार की सेवा करने के लिए ही रहना है और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संसार सब चाहता है तो सब इच्छा तो पूरी कर नहीं सकते, अपनी शक्ति अनुसार सेवा कर देंगे बस। और केवल सेवा करने के लिए है तो मरने में दुख नहीं होगा भाई। मुंशी आप कॉलेज के मेले गए और सेवा करने के लिए लगे तो रवाना होने का दुख होगा क्या? सेवा कोई आ गया बीमार तो सेवा करो, मर जा तो मार दो, जीवे तो दवाई दे दो, सेवा करो। अब रोए कौन? अपना पोत रोएगा, अपने तो सेवा करनी है। तो घर में जितने हैं उनकी सेवा करो, न्याय से धर्म की रीति से अपनी शक्ति के अनुसार जितना कर सको, नहीं कर सको वो अपनी जिम्मेवारी नहीं, मस्त से सेवा करने के लिए रहो। मर जाए तो बात नहीं, ये भी उनकी सेवा ही है, सेवा छोड़ा दो तू गाड़ दिया तो सेवा कर दी, सेवा समाप्त हो गई। ऐसे सेवा करने के लिए संसार में रहो, अपनी अपनी ड्यूटी बजाओ ठीक तरह, सेवा
मौज हो जाए, आनंद आनंद हो जाए। साधु हो तो सेवा कर दो, ये नहीं ये भिक्षा देते है कि नहीं देते है। मतलब नहीं, आपने तो बात अच्छी तरह सुना दी है, सुनो तो सुना देंगे, बैर भी दे, खटपट भी हो जाए, आपस में मिले नहीं, पर सुना हुआ तो सत्संग में कोई फर्क नहीं। हम है जो इस बात सुना दे, आपको सुना दे, गुरु इसमें क्या जोर है। अपनी तरफ से कोई विषमता नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई दोष नहीं, दोष दृष्टि नहीं, कुछ नहीं, अपनी पक्ष से सेवा कर दो, आनंद की बात है, बहुत मौज से। वो करे ना करे उसे क्यों देखो, दूसरे का कर्तव्य देखना नहीं है। आज गलती होती है, दूसरा कर्तव्य देखते हैं, कर्तव्य अपना देखो, अधिकार दूसरे का। भाई हमारे पर इसका अधिकार है, इतना तो काम हमें करना ही चाहिए, उसका हमारे पर अधिकार है। वो करे न करे उसकी मर्जी, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी एक बढ़िया है। सबकी सेवा करो बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से। देखो रागी होते हैं दोनों, स्वार्थी दो आदमी साथ नहीं रह सकते। स्वार्थ का काम करने वाला, स्वार्थ अपना सिद्ध करने वाला, दो भी साथ में खटपट हो जाती है, और त्यागी में पांच सात ही रह जाए, खटपट नहीं होती। त्यागी मिलने नहीं, जो चीज आए वो वो ले तो तुम ले भाई, आ गई चीज सभी ले, नहीं आ गई जयराम जी। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। पक्षपात मत करो, विषमता मत करो, समाहम सर्वभूतेषु, भगवान भी सम है। व्यवहार सम विषम करते हैं भगवान, हृदय अनुसार ही सब व्यवहार करते हैं, उसके हृदय उसके अनुसार, अपनी तरफ से नहीं। जैसा हृदय है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथा सती वजाम्य हम, जैसे तैसे करते हैं, अपनी तरफ से कोई पक्षपात नहीं है। सबके ऊपर बरोबर, सबके प्रेम, सबका आदर, सबका हित, सबकी सेवा, प्रेम से काम करते रहे। हरी मन जो जिसका भाव स्वभाव अच्छा है मंद है। अरे भाई एक साधु ने कहा कि आप स्वार्थ राम जी, राम जी विश्वार्थी है कि आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यारे, अरे बिन सिमरे कालू के नरकों में डाले, बताओ। उनके स्मरण करे तो पालन करे, निस्मरण करे नरकों में न गए तो भगवान ये पक्षपात है। आप स्वार्थी है भगवान, आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यारे, जो सिमरे जीवन उद्धार करे या बिन सिमरे कालू के नरकों में डाले, तो स्मरण करे उसका उद्धार करे उसका नरकों में डाले, तो उसका भाव है ना, उसका भाव के अनुसार है। अब भाव नरकों में जाने के लायक, नरकों में भेज दे, स्वर्ग में स्वर्ग में भेज दे, वादी भेज दे, अपनी तरफ से कोई नहीं, हृदय अनुसार ही। उनका जैसा भाव ये था माम प्रपद्यन्ते, तो भक्त लोग भक्ति करे तो समान सर्वभूतेषु, उनके साथ प्रेम से बर्ताव करे वैसा ही, भक्ति नहीं करते उसके वैसे बर्ताव। हित सबका करेंगे, हित करने में अपनी तरफ से कोई बात है नहीं। हित करना एक सुख पहुंचाना है, तो सुख पहुंचाने में थोड़ा फर्क हो सकता है, हित में फर्क नहीं होगा। एक साधु थे तो भिक्षा के लिए गए, तो माताजी उन्होंने कहा महाराज अब कई जगह जाओ, यहीं बैठ जाओ पालो। ठीक है भैया यहीं पालेगा, क्या बोले मतलब रोटी से है, कई घर पालो जाओ, एक जगह बैठ पालो, कई घर पालो जाए, एक जगह बैठ पालो गए और समझ रहे तो भोजन दिया, पाने लगे तो वो माई है जो बना लिया रसोई, रसोई बना तो महाराज बाबा जी पूछने लग गए। उसने महाराज बाजरे की रोटी बनाई बढ़िया, वो रोटी बना करके गुड़ और घी गाल के चूर करके बढ़िया दे दी। कहते खेत में जो हल चलाता है उसको दे देना। एक पड़ा था बीमार, उसके लिए आटा की राबड़ी बना दी, गलिया लपटा को बना दिया। साधु ने पूछा कि मैया ये बताओ ये किसके लिए है। ये महाराज हमारे लड़के के लिए, और ये चूरमा बढ़िया, ये हमारे लड़के के लिए, तो मैं तो जाता हूँ।
क्यों महाराज, कैसे, क्या बात है, तुम बेटों में ही तूफान करती है, तुम मेरे को क्या भोजन कराएगी? एक लड़के को तो राबड़ी पावे, एक लड़के को जो गुड़ घी खाते खूब सी सूर मधु, या माँ का काम है? माँ का काम तो है सब बेटों के साथ प्रेम से अर्था बर्ताव करे, विषमता करती है, पक्षपात करती है, तो क्या भोजन करे तेरा, अगर नहीं करता मैं, तेरे मन में पक्षपात है? आपने बात सुनी है कि पक्षपात है, विषमता सुनी है, आपने समझे नहीं? अब क्षमता करो तो वो भोजन ये सब बीमार को दे दू, अथवा दोनों को लपटा पा दे उसको भी, कैसे हाल चलाएगा वो? तो बरूबर कैसे करे? तो विषमता करना किस है कि वो योग्यता है, काम करते हैं, कैसी अवस्था है, उसके अनुसार बर्ताव करते हैं भगवान। हमारे ऋषिकेश में सत्संग आए तो शेठ जी ने स्थान दिया, तो सीतामऊ दरबार आए तो रानी की कोठी बन होता रहा, तो उसमें साधारण है वो, साधारण मकान दे दिया। तो वे पूछे कि देखो, एक सज्जन ने मेरे से कहा, देखो शेठ जी का पक्षपात है ना, क्यों को तो बढ़िया मकान दे दो, साधारण मकान दे, और हमारे को दी महाराज एक टेंट, एक एक तख्ता डालो इतने सो जाओ, टेंट इतना ही हमारे को दिया। तो शेठ जी बोले एक दिन प्रसंग में, कब राजा जी को तो टेंट दे दे, स्वामी जी को कोठी में उतारे, समझे? अपन स्थिति अलग अलग है, तो उनको दिया। तो मेरे से पूछा वो बात, मुझे आदि बात शेर जी कही हुई है, मेरे से पूछा तो मैंने कहा देखो भाई, शेर जी पक्षपात करते हैं, राम जी भी ने पक्षपात ही किया, इनको तो राज दे दिया, इनको धन दे दिया, इनको धन नहीं दिया, हमारे को रुपया दिए ही नहीं, उसको शेर रुपया दे दिया, तो राम जी भी पक्षपात करे, तो अपने पक्षपात कर रहे, क्या अर्जुआ दोष है? तो राम जी का दोष है मूल में, तो वहां से चली आई है, तो वहां से ऐसी बात हुई है, तो हृदय अनुसार है, वो योग्यता है, उनका भाव है, उनके आचरण है, उसके अनुसार परिस्थिति करे भगवान। भगवान विषमता करे, दो आदमियों को एक समान स्थिति नहीं दे, आप इतने बैठे हैं, सबको दो को भी बराबर चीज नहीं दी है भगवान ने, किसी विषय में कोई तेज है, किसी विषय में कोई तेज है, किसी विषय में कोई तेज है, सब बरोबर कैसे करे? तो उनके भाव इसके अनुसार करे, स्थिति अनुसार से काम करे। तो एकता किस में है? हित में है, हित करना उसका, जैसे हित हो जैसे ही। अब बाबा जी समझे महाराज ये विषमता नहीं है, अब दोनों चीज एक बरोबर कैसे किया जाए? पक्षपात नहीं करना, ये बात ठीक है, अपनी तरफ से पक्षपात न कर, सबकी सेवा करो, सब सुन जीते रहे, सब आराम से रहे। वैद्य के यहाँ जाते हैं तो दो आदमियों को भी एक एक तरह की दवाई नहीं देते, किसी गोली देते हैं, किसी को सूर देते हैं, किसी को काढ़ा देते हैं, किसी हम देते हैं, फंट देते हैं, कि काढ़ा इससे निर्धारित है, रोग निर्धारित नहीं, आज दो हम क्षमता करेंगे, इसमें से देंगे सबको, दस्ता लगती है उसको यही है, कब्जी होगा उसको यही, बुखार आएगा उसको यही, तो ठीक हो जाएगा। क्षमता नहीं करते तुम्हारे, क्षमता करते हैं, तुम्हारा रोग मिटे वो देना उसको, अब एक शीशी ने देना है तो सब वो क्षमता करनी है, बस पाव पाव चीनी देनी सबको, पाव पाव, अब जो चीनी जरूरत नहीं उसको भी दे पाओ, जिसको ज्यादा चाहिए उसको भी पाओ, ये था योग, जितना उनको ठीक तरह से काम चल सके। भोजन करा तो बरूबर कैसे होगा? कोई तो एक दो फुलका ही खावे, एक दस बार फुलका खा ले, बोलो सब एक समान कैसे दिया जाए, भूखा मरेंगे ना वो। तो क्या क्षमता रख गया कि जैसी भूख है वैसे पालो, रसोई में ये बहने करो तुम पक्षपात कर लेगा, पक्षपात क्या, भूखा ज्यादा उसको काम ज्यादा करे, रोटी खा ले भाई, बाबा जी दिखा लो, बाबा जी की होने में बरोबर थोड़ी होगी, सबको सबकी खुराक बरोबर होगी,
जैसी भाव जिस पाल हो गई ले जाओ, ज्यादा खुराक ज्यादा खा लो। ये ब्राह्मण बन गए थे, पांचों पांडव थे और माता कुंती साथ में छह थे, वनवास में यानी वो लाखाग्रत लाया ना, लाखाग्रत लाया। जब ये बच गए विदुर जी करने से सुरंग में चले गए तो साधु बन कर रहे, ब्राह्मण बन कर रहे तो भिक्षा लाते थे, भिक्षांग देही भवती भवती भिक्षांग देही, तो माता कुंती का घर ला रखते थे। तो माता कुंती क्या करती कि वो जितनी भिक्षा होती उसमें आधी तो भीमसेन को दे देती, आधी के पांच भाग कर लेती अपना। तो भीमसेन पा लेता अपना, अब बरोबर देंगे भीमसेन उगती देंगे तो कैसे करे। वो सुरंग में से रात्रि को निकले, भीतर में सुरंग रख दी, सुरंग में वो बारी निकले अगर जाकर के ऐसी बना दे दी पहले ही। अब वो तिथि आती है कल परसों वर्जन आग लगानी है, पहले ही दिन लगा दिया तो सबको भेज दिया, भीमसेन रह गया पीछे, और सब कह दिया तुम जाओ, कुछ उतार दिया, बड़ी विशला रखी हुई थी उसमें दे दे फेंक दिए, और फिर महाराज ऊपर चढ़ गए चारों तरफ लगा दिया आग, ताला लगा दिया पहले। पुरोचन था वहां दरबार, वो कह दिया कि तुम ठीक कर देना उसमें, वो सोता था तो पढ़ के ताला जड़ दिया, कमाने का ताला लगा दिया और ऊपर लगा कूदे कूदे धमाके से वो जगह जगह जितने आग लगी जोर से, वर्षण तेल बांस रह दिया हुआ लाख लाख कर दी हुई, वो जगी जोर से, वो कूदा जाओ क्या अड्डा बंद। वो भीमसेन क्या कूद करके वो शिला थी ऊपर ले लिया अपने दरवाजे के ऊपर शिला रखी, चला गया आगे जाते मिल गया, आगे नौका मिली, नदी थी उस नदी में विदुर जी ने कह दिया था कि आओ जो पार कर देना, नौका ने पार कर दिया, पता दिया देखो भाई उनका दस्तखत है ये बात है। आगे चले तो मन चलते चलते प्यास लगी थी, तो रात मन चले प्यास लग जाए, प्यास लग गई भीमसेन लाया सब जो भी माँ है जगह भी थकी बेचारी, भाई भी थक गए, सब वो नहीं पिलाया, थक गए रात्रि तो भीमसेन का भी थक गए, तो चलो आगे चलो या नजीक कैसे ठहरे, चलो आगाड़ी तो कैसे चले। तो दो भाइयों को ले लिया, दोनों हाथों में कब्जीर, दो भाइयों को चढ़ा लिया दोनों कंधों पर, और माँ को कहते मैया तो ऊपर बैठ जाओ यहाँ लेकर चला। अब काम करे तो एक ले पांचों ने चढ़ा लिया, रोटी खा ले रोटी खा ले, काम भी तो करता है माँ को भाइयों को सबको चढ़ा लिया काम करता है। एक चक्र नगरी में ठहरे तो एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे थे, ब्राह्मण बने हुए भिक्षा जाते ब्राह्मण के घर ठहर गए। एक चक्र में नगरी में एक बार वो रहता था एक राक्षस बकासुर, तो वो राक्षस रहता था, तो राक्षस को तंग करता था तो राजा ने उन्हें संधि कर ली, मुझे कह दिया कितना चाहिए, एक भैंसार एक आदमी और एक गाड़ा भर बाकड़ा पकाए हुए उर्द धान, इतना मेरे को दे दिया करो फिर तुम निश्चिंत रहो, कोई दखल नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे वो बारी आई जिसमें इतनी बड़ी नगरी थी, 12 वर्ष से इस बारी आती थी, 12 वर्ष आज घर बारी आई, फिर 12 वर्ष आती बड़ी नगरी थी, बहुत बड़ी ऐसी नगरी। तो देवी योग से बात क्या हुई कि ये जिस घर में ठहरे हुए थे ना ब्राह्मण के, उस ब्राह्मण की बारी आ गई कि आदमी उस ब्राह्मण और भैंसार गाड़ी बार वो तो राज से प्रबंध हो गया, अब मनुष्य राज से कहां से लाओ, एक घर से एक आदमी देना पड़ेगा। तो आज के आदमी कह दिया साहब बकासुर की भेंट में एक आदमी भेजना है आपको यहाँ से। तो ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थी, एक बड़ी लड़की एक छोटा बच्चा, चार प्राणी थे उस घर में,
तो रात्रि में बातें कर रहे हैं आपस में, कुंती ने देखा क्या बात है, बात रह गई थी अब बेटा सहित क्या बात है जो बाहर खड़ी रह गई। तो वे आपस में सलाह करते हैं। ब्राह्मण तो कहता है कि मैं राक्षस की भेंट में मैं चला जाऊं। स्त्री कहती है कि ये मेरा धर्म है, आप जाने का नहीं है, कोई आप बता जो तो मैं जाऊंगी, आप रहो। वो कहते देखो मैं चला जाऊंगा तो बालकों का पालन तुम कर लोगी। बेटा भाई दो है ना, छोर छोटा है, बड़ी लड़की है, और आप चले जाओ तो पालन पर मैं चली जाऊं तो आप दूसरा ब्याह कर लोगे। वैसे कहते तुम पालन कर लेगी, मैं पालन नहीं कर सकता, कि आप रहो तो ब्याह वाला दूसरा कर लोगे, पालन कर लोगे। आपस में करने लगे। लड़की बोली कि देखो पुत्री होती है, जो पुत्र होता है जो माँ बाप की सेवा करे, अब राक्षस में चले जाओ तो मेरे को भेज दो, मैं जाऊंगी। क्यों? कि मेरे को भेजोगे ही, मैं तो घर पर रहूंगा नहीं, किसी को देगा ना, कन्या दान करोगे कि नहीं, तब समझो राक्षस हुई नहीं, मैं चले जाऊ भेट में। कि बेटा कन्या दान करने का तो पुण्य होगा, राक्षस में बेटे तेरे को बेटी श्वास नहीं है, उनको राक्ष के वहां बैठे, ऐसे तीनों कर रहे थे। वो तो मैं जाऊंगा, छोरा छोटा था उसने सुनी तो उसे लग लिया मैं जाऊंगा, मार डालूंगा सब यहाँ से। बच्चा सोचता नहीं है, हंसे गुप्ती पर कुंती माता चलेगी भीतर, क्या बात है, ये तो मेरा घर की बात है अपने, क्या बताओ। तो ज्यादा कहा तो बता दिया। तो क्या तुम्हारे किसी को भेजने की जरूरत नहीं, हम अतिथि है, यहाँ पर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ विश्राम पाया है, तो सुख में हम साथी हुए तो दुख में भी तुम साथी हो गई, पर यहाँ टिके घर पर रहे आराम से। तो तुम्हारे तो एक बेटा एक बेटी या दो, तुम मेरे पांच बेटा है, एक भेज दूंगी। तो वे बोले कि पांच बेटा है, एक एक ही है, तो अपन छोड़ते एक ही है, पांच बेटा होता है तो किसी दूसरे छोड़ थोड़ा ही, पांच अपनी अपनी जगह एक एक ही है, पांच बजे तो दस बजे तो बीस बजे तो क्या हुआ, अपनी जगह तो एक ही है, दो है कोई अपनी जगह तो एक ही है। कि नहीं, भीमसेन को बुलाया, तेरे बेटा ब्राह्मण की आप बताई हुई है, तेरे को भेजू भेट मेरा भेट में, ठीक है माता जी। युधिष्ठिर क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो मैया, मुश्किल हो जाएगी, गया हुआ राज दिला सकता है ये भीमसेन है अर्जुन, ये दिला सकते हैं, तुम हमारे को भेज दो। तो कुंती बोले तुम्हारे किसी में भेजू तो मेरे को रोना पड़े, ऐसा भेजू सब काम ठीक कर देगा, ये है लायक, तुम्हारे को नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी भीमसेन को भेजूंगी। कथा सुनाई कि जंगल में रहते थे, कुंती माता के जंगल में ही पैदा हुए थे, कुंती माता है ना, रूप बैराग हो गया था साप के कारण। तो एक दिन मैं खिला लेती हूँ भीमसेन को, तो आतंक छूट गया, पत्थर पड़ा, पत्थर चूर चूर हो गया, कोमल शरीर था उस समय, बच्चा होता है, बच्चे का शरीर कोमल होता है, अरे लड़का जो जैसे ये सड़क का बेलन चलता है ना, ऐसे साफ करता ही गया। ये तो कोमल शरीर की बात है, उसकी क्षमता का बर्ताव करे, कुंती माँ के बरोबर देंगे, भी सब हुई रोटी बरोबर देंगे, पर कैसे हुए, वो बिकोदर था, वो कैसे बात हुई। तो जितना भोजन है वो ले लो भाई, ये भोजन भीमसेन के लिए, माँ विवाह करने वाली माँ बोलो वो विषमता करे, भीमसेन वैसे देवे अर्जुन नकुल वैसे देवा, अलग अलग तो माँ करे तो क्षमता, अरे क्षमता यही है, भूख है जैसे क्षमता है, क्या थोड़ी है कि तोल मार्ग में वो थोड़ी थोड़ी दे दे सर बरोबर, भूख है जैसी खुराक है जैसी जिस आदमी दिया, वो चला गया सब भीमसेन। तो गड़ा भरो बाकला था, तो भीमसेन पानी लग गया, भूख लगती थी ज्यादा, तो काम लग गया, राक्ष आया दूर से, वो एक जगह थी उसमें, तो राक्ष ने समझा कुछ पागल है,
खून सूख जाए, कोई मरने के बाद जाए जरूर तो बेचारो मौत आ जाएगा। ये तो भोजन कर रहा है, उसने जोर से कह रहा है तू क्या खा रहा है, मेरा भोजन है, तू तो खुद भी मेरा भोजन है और मेरा भोजन खा रहा है, खाता है। कि भोजन करते बोल रहा सही साहब वो आया तो वो तो वैसे ही कर रहा है अपना, तो पीठ पर मारी मैं जोर से आया था सही, तो जैसे कपड़ा धोते हो पत्थर पर हाथ पड़ जाए तो क्या दशा होती है, ऐसी दशा हुई झंडाट करे हाथ राक्षस देखे क्या बला है मरी तो बेकार भोजन पर अब आ जा घर पर दोनों कुश्ती आ गए तो रूख रहे थे उठा उठा कर रूख रहा थे मैदान कर दिया बोले खेती करो मोस पछड़ा पाट पटक कर मार करके दोदरा कर दिया आपने समेट नहीं उठा कर ले आया लार दरवाजा है शहर का दरवाजा था उस दरवाजे के बाहर रख दिया दरवाजा ढक गया दरवाजा खोला है तो बाहर खोले गए लाश पड़ी गाड़ी वो चुप सा जा पड़ गए ब्राह्मण सो गया अब निकालो तो दरवाजा खोले कई आदमी मिल करके दो लाश दूर करी दरवाजा खोला कहा किसने मारा ये कोई आदमी तैयार हमने मारा वो था हमने मारा पूछा फिर किसी बारी किस घर की थी तो अमुक ब्राह्मण की थे वहां गया तो भीमसेन मिला उनको दिखाया ठीक है ये कर सकता है फिर वही रवाना हो गया मान गया चलो यार अब यहाँ मत ठहरो प्रसिद्धि हो जाएगी चल दिए वहां से फिर वहां स्वयं था द्रौपदी का वहां पहुंच गए तो इस तरह से बरोबर विषमता रखता विषमता नहीं है काम में तो विषमता ही होती है माँ कुंती है भीमसेन वैसे भोजन दिया करती ये बचत में घायल हो गया सब बेटा उपाधि कर दी थी तो भीमसेन कैसे कर दी सब तो ये विषमता नहीं है ये था योग ऐसे कोई कर दवाई तुम अलग अलग देते हो किसी को कैसे किसी को कैसे एक घर में देवरानी जी ठाणी थी उसके वैद्य ने दवाई दी तो एक तो गया कि तुम सास पियोगे सास अन्न भी कम तेरा सास ही पाए और एक हल्का हलवा पूरी हलवा में दवाई देनी सिरा खाती दूध पीते आपस में करके बोले ये लोगो मारे तो सास देवे या माल खावे तो उसके ससुर बोले कि स्वामी जी इनको समझाओ ये कहे तो हम हमारे पैसों की कमी नहीं है घी में खड़ी कर दे इनको दोनों को पर वैद्य देते ना हम क्या करें बताओ वैद्य कहता है सास ही पाओगे हमारे को कमी थोड़ी है तो कमी न रहने में बीमारी के अनुसार करे सास सब कैसे पाई जाए पेट में संग्रहणी तो दवाई दो सास पियो ये तो सास भी है लो खाओ दोनों दिन से अपन में दोनों भाई तो भाई यथा योग्य है यथा योग ठाकुर जी देते हैं सबको स्त्री देते हैं इसलिए अपने काम को समता रखने का तात्पर्य सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो तो मूल में बात चली थी कि साधन अपना अपना करो कर्म योग है ज्ञान योग है भक्ति योग है जो लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग कई योग है वे सब करो जो कर सकता हो जो अधिकारी हो वो उसी साधन करो अपना उससे कल्याण करो अपना उद्धार करो तो ठीक तरह से आप जो हुई तो यथा योग ठीक करो सबके लिए एक बात बताई कि सबको अपना समझो अथवा किसी को अपना मत समझो सेवा सबकी करो अपनी शक्ति के अनुसार कोई आ जाए उसकी सेवा करो अधिक अधिक कैसे दे दे भाई इतना तो आपको दे देंगे इतना और को दे देंगे ऐसे प्रेम पूर्ण आदर से रहो सब सब सुखी हो जाए सब आराम से रहे आनंद से रहे सब सुखी रहे ये भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ऐसी सेवा करो सबके साथ देखो लेने में तो महाराज लेना चाहे तो लड़ाई होगी या देना चाहे लड़ाई नहीं होगी सब ऐसे सबको है जो श्रद्धा के अनुसार
शक्ति के अनुसार काम धंधा करेंगे, शक्ति के अनुसार भोजन करेंगे, शक्ति के अनुसार लोग काम करेंगे, सबको सुखी बनना, सबकी सेवा करना, सबको आराम देना, आनंद हो जाएगा। समूह हम भगवान ही समान है, आप भी समान रूप से सेवा करो सब, और भगवान को याद करो, भगवान के भजन में लग जाओ। अब ज्ञान योग या तो बुद्धि माने के लिए ज्ञान योग है, साधन के लिए कर्म योग है, विशेष भक्ति योग है। भक्ति योग के सब अधिकारी होते हैं, प्राय ज्यादा भक्ति योग के अधिकारी होते हैं भगवान के भजन करने के। भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है, ये भी ठीक है। सबको मेरा समझो अथवा एक भगवान को मेरा समझो, संसार मेरा समझो, सबको समझो और कोई नहीं है मेरा तो समझो, ये भगवान मेरे हैं। पर स्वार्थ भगवान से भी मत रखो, निष्काम आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी चार बताया, उसमें ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी की विशेष महिमा कही। ज्ञानी क्या, वासुदेव सर्वमिति ज्ञान, सब परमात्मा ही परमात्मा, ऐसा ज्ञान है जिसको, वो भगवान को विशेष प्यारा है। पर उदारा सर्वे, अर्थ को जिज्ञासु को अर्थार्थी को भगवान तो उदार ही कहते हैं। अरे उदार तो देते है, वो होता है, वो मांगता है, वो तो धन मांगता है, भगवान कहते मेरे से मांगता है धन भी, उदार सब उदार, उदारा सर्वे सब उदार है। तो यही दरबार दीन को आदर्श रीत सदा चले आई, भगवान के दीन का आदर है गरीब का होगा। मणि माणक महंगे किए सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास। मणि माणक महंगे किए, माणक है बड़े बड़े रत्न है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, उम्र भर मैं नहीं देखे तो हमारा पता नहीं आता, ये हमने देखा ही नहीं तो पता आती है क्या, अंदर ना देखे तो राम नाम सत बोल। तो मणि माणक तो महंगे के सस्ते जल तृण नाच, घास और अन्न पानी, पशु के लिए घास मधुर अन्न और पानी दोनों के लिए सस्ते जल तृण नाच सस्ता किया। तब ग्राम गरीब निवास, गरीबों पर सेवा कर, गरीबों के लिए सब सस्ती, जिसे निर्वाह हो जाए वो सब ले। निर्वाह होता है नहीं, हमें सोना इतना चाहिए, किसे चाहिए, अब शेर शेर सोना, दो दो शेर सोना, हम कैसे मिले, अन्न भी बड़ी तंगी से मिले और वो शेर पर सोना मिल जाएगा, और शेर माथा फोड़े क्या करोगे, अन्न से ले दो अपने तो निर्वाह हो जाए, इतना आराम से कर देंगे निर्वाह। जहां लोभ करना अच्छा नहीं है, निर्वाह माथा का होता है, सब भगवान निगाह रखते हैं सबकी, सबका प्रबंध करते हैं। बाल बच्चे बहुत है, अध्यात्म रामायण में नारद जी महाराज आए राम जी के वहाँ, बड़ा आदर किया, महाराज मेरा घर पवित्र हो गया, संत आ गया, आज बड़ी खुशी मनाई, कहा महाराज हम तो गृहस्थी है, आप सेवा करने गृहस्थ है। नारद जी बोले तो आप बड़े गृहस्थ हो, आपको छोरा छोरी बहुत है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सबके माँ बाप चेहरे, कितना बड़ा परिवार है आपका, बड़ा परिवार, बड़े गृहस्थी हो महाराज, पधारो ठीक है, मारा बहुत वर्ष हो गया है, सवा वर्ष हो, सवा सौ वर्ष हो गया, लीला स्मरण करो ठीक है मारा। तो सबके ऊपर कृपा रहो, सबके सुखी हृदय से सबके सुख की बात, उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। नारायण 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 नारायण।